हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उसके बाद अभी यहाँ से हम निकलेगा व्यू पॉइंट के लिए एंड तो वहाँ का व्यू पॉइंट एक रॉन्ग व्यू पॉइंट है छोटा सा, तो वहाँ से व्यू काफ़ी खूबसूरत दिखता है, सुंदर, बहुत सुंदर लगता है, तो आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो में। तो चलो आप लोग यहाँ से अभी अपन लेंगे लेफ्ट साइड, सॉरी राइट राइट के बाद सामने भी एक सामने मतलब आगे में एक व्यू पॉइंट है। तो यहाँ का आई गेस सबसे ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट है हमारा यहाँ पे सेप्पा में। तो अभी मेरा थर्ड टाइम हो रहा है वहाँ पे विजिट कर रहा है मैं, उसके बाद जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे न्यू सेप्पा पे हूँ, तो काफ़ी गर्म भी है वैसे हमेशा की तरह। चलो मैं एक हाथ से बना बना के ड्राइव करके वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा, तो आपको मैं दिखाता हूँ एक सिनेमेटिक शॉट। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे अभी जो ड्राइवर है चेंज हो गया है एंड वहाँ पे दुकान पे रुका था हम लोग, तो वहाँ पे वीडियो जो नहीं बना पाए। तो यहाँ पे चिप्स और कुछ पेप्सी है पीने के लिए लिया है, क्योंकि और वहाँ पे गर्मी भी लगेगा जाते जाते, तो प्यास बुझाने के लिए। एंड रोड काफ़ी ख़राब है यहाँ पे यार, रोड कंडीशन का। और आप लोग प्लीज़ गाइस वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा यार, मुझे काफ़ी दुख लगता है ये चीज़ में। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इनका भी चैनल है लाइन में बात को दे देगा, इनका भी चैनल है मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा, तो आप लोग भी इनको सपोर्ट कीजिएगा। अपने ही भाई है, अपने ही अरुणाचल का बंदा है एंड आप लोग बाहर का लोग का सपोर्ट करते हैं, तो अपना बंदा को सपोर्ट करने में कुछ नहीं जाते। तो चलो आगे आगे मैं आपको दिखाऊंगा रोड का कंडीशन इतना खराब है, मतलब वीडियो को कट। तो गाइस फाइनली यहाँ पे पक्का रोड आ चुका है एंड काफ़ी मेरा पिछवाड़ा भी काफ़ी दर्द कर रहा था, क्योंकि इतना देर से ऑफ रोडिंग खराब रोड पे चल रहा था हम, एंड अभी यहाँ पे फाइनली गाइस फाइनली पक्का रोड काफ़ी आराम से चल रहा है मेरा काम। यहाँ से अभी ज़्यादा दूर नहीं है और आई गेस या 10 या 15 मिनट तक तो पहुँच ही जाएगा यहाँ से, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और ये रहा मिथुन, तो ये मिथुन लेके जा रहा था बस की तरफ, मैं जंगल में छोड़े जा रहा था मैं। शायद कुछ होगा प्रोग्राम या तो कुछ चीज़ के लिए शायद पानी चलाना पड़ेगा मिथुन, कोई ना दुख लगता है लेकिन फिर भी क्या करेगा, ये मैं यहाँ का। एंड आप लोग हमको कमेंट करके ये बताओ कि वीडियो किस टाइप का आपको अच्छा लगता है, किस टाइप का वीडियो बनाओ। तो आप लोग मुझे कमेंट करता नहीं है कोई, है ना, तो कमेंट करो हमको। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दो, क्योंकि हमको मेरा जो गलती मैं कर रहा हूँ उसका हमको पता भी चल जाएगा। तो हाँ आप लोग ऐसे ही जितने भी लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको तो मैं दिल से थैंक यू, और जो नहीं कर रहा है उसको भी थैंक यू। शायद वीडियो आप लोग का अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन हम भी कोशिश करेगा आप लोग का दिल जीतने के लिए, तो हम भी वीडियो अभी अच्छा बनाएगा। तो चलो आगे देखो, काफ़ी गर्म भी है। तो ये यहाँ में छोटा सा खेती है, धान खेती है शायद, यहाँ पर यहाँ में सब्जी लो है ऊपर में। गाइस फाइनली वी आर हियर एंड हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं व्यू पॉइंट रंग का, एंड आप लोग देख सकते हैं पॉइंट में आ चुका है। एंड यहाँ पे भी और लोग भी है, आपको मैं दिखाऊंगा। और ये भी ऑब्वियसली ये भी ब्लॉक करा अपने चैनल के लिए, सपोर्ट करो इसको। तो हम लोग यहाँ पे आया था वो एकदम दोषी कर रहे नहीं रहे ये यहाँ में छुप के कॉर्नर में खा रहा है, ये पता नहीं क्यों। तो अपन लोग ने लेके आया था यहाँ में चिप्स और पेप्सी है खाली,
और कुछ नहीं। अभी वहाँ से जब दुकान से ये टिप्सी लेके आता है, काफ़ी गर्म भी लग रहा है, लेकिन यहाँ भी आके अच्छा लग रहा है क्योंकि हवा भी बहुत फ्रेश। जो जो यहाँ में आया होगा उनको पता चलेगा यहाँ पर यहाँ का हवा कैसा है। और बाकी तो आप देख ही सकते हैं नज़ारा, हवा में काफ़ी ब्यूटीफुल है। मेरा घर वो वहाँ में है, वो देख जहाँ मैं उंगली डाले वहाँ में है। आप लोग कभी विजिट करने आ सकते हैं ये वाले। बाहर का वाला ना नो कभी पेप्सी पिया है क्या? हम लोग यहाँ में जब आएगा ना सिप्पा में और रेचल में, आप लोगों को बाहर की तरह चाय नमकीन नहीं मिलेगी, पेप्सी मिलेगी, पेप्सी ओनली पेप्सी। और खाने के लिए मीट मिल सकते हैं बस, चाय नमकीन ये सब नहीं है। ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए तो नहीं है इसमें वीडियो में, छोटा सा एक रंग भी पुन है। एंड अभी ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी बनाने के लिए सोच रहा है मैं, तो बाद में धीरे धीरे करके कहीं ट्रैवल करेगा तो उसका ब्लॉग्स भी आएगा। एंड फिलहाल अभी तो मैं यहीं पे हूँ, सिप्पा में बैठा हूँ मैं। और आज नदी काफ़ी साफ है रे हमें, वही काफ़ी सुंदर लग रहा है। नदी आज काफ़ी साफ है, उसके बाद मौसम भी यहाँ में इतना ख़राब नहीं है, आज अच्छा है, इतना गर्म भी नहीं लग रहा है यहाँ में आके। और हम दोनों आए थे वैसे, और चैनल में आप रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं अगर जो जो मेरा जितने भी है, मैं 204 जो भी सब्सक्राइबर है, तो आप लोग से मैं भी बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनका इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, इनका चैनल को सपोर्ट कर दे, उसके बाद चैनल में शेयर कर देगा शेयर। अगर ये वीडियो रेगुलर नहीं डाला है तो प्लीज अनसब्सक्राइब कर देना गाइस, अनसब्सक्राइब कर दे। अगर रेगुलर वीडियो नहीं डालेगा तो डालेगा ना, डालेगा डालेगा जरूर, नहीं डालने से अनसब्सक्राइब होगा, होगा होगा। तो अभी इसने वादा कर चुका है डालेगा, बोलते यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए भी नहीं। समय में यहाँ पे बहुत आदमी आते हैं और आई गेस रात में आता होगा मैं। तो ये कल बस्ती जा रहा है, तो इसका विलेज का ब्लॉग्स आपको देखने मिलेगा इसका चैनल में। तो वहाँ का बस्ती का जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ में क्या क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, आपको कल देखने मिलेगा इसका चैनल में। तो का ये ऊपर में यहाँ पे रोड दिख रहा होगा आपको, तो ये रंग बस्ती जाता है जो, तो ये रंग बस्ती तरफ के जाता है ये रोड। यहाँ पे खेती आपको दिख रहा होगा, अच्छा खेती नहीं है शायद, पूरा जंगल हो गया, पहले वहाँ में खेती करता था। सुबह को जब भी आगे जॉगिंग करने आने के लिए ये बहुत बेस्ट है मेरे ख्याल से। और वहाँ में और एक रोड है ऊपर में बोसो में, तो वहाँ पे और भी अच्छा है वहाँ पे वॉक करने के लिए। शाम के समय में गया था वहाँ पे, लोग बहुत सारा आते वहाँ में क्योंकि काफ़ी फ्रेश रहता है, उसके बाद धूल मट्टी नहीं है कुछ भी। एंड या काफ़ी मज़ा आता है। एंड देखो यार यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, पता नहीं कैमरा में कैसे दिख रहा होगा लेकिन रियल में देखिए ना कसम से बहुत सुंदर है वहाँ पे। अगर आपके पास अच्छा खासा फ़ोन या तो अगर DSLR कैमरा होता है ना, यहाँ पे आप फोटो शूट करने के लिए भाई बहुत बेस्ट प्लेस है लोकेशन। देखो यार मेरे पाँव में, ये उस दिन जब मैं फुटबॉल खेला था ना तो चोट लगा था, तो देखो ये देखो गाइस, उस दिन जब फुटबॉल खेलते हुए तो यार मैं छेप दिया था किसी ने, मुझे भी याद नहीं कौन था। ये देख पूरा नाखून निकल गया मेरा, ये देखो यार दिख रहा होगा आपको, पूरा नाखून निकल गया मेरा यहाँ में देखो। तो इसको मैं अभी छील देता हूँ, पूरा छील दूंगा। पता नहीं आज का ब्लॉग कैसे बना होगा क्योंकि इतना कुछ दिखाने के लिए है नहीं बताने के लिए। एंड बस वही एक छोटा सा व्यू पॉइंट है, यहाँ पे व्यू है वैसे काफ़ी खूबसूरत है व्यू भी। एंड ये कल बस्ती जा रहा है और इसका ब्लॉग्स आएगा बस्ती का, तो आप लोग देख लेना इसका वीडियो में चैनल में। तो गाइस मैं बार बार कहता हूँ प्लीज़, अगर आप लोग व्यू पॉइंट विजिट करें तो यहाँ पे ऐसे कचरा करके मत जाओ, गंदा करके,
अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने पिछला व्लॉग में भी मैंने बोला था कि घूमने जाओ लेकिन गंदा करके मत जाओ, कचरा करके, पता नहीं फिर भी। तो हम लोगों ने गंदा तो नहीं किया, लेकिन तो ये अभी यहाँ पे कचरा साफ कर रहे हैं। कचरा फेंक के रखना नहीं चाहिए, मैं भी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये कर रहे हैं। हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा इसलिए, मैं ऑलरेडी इतना बड़ा सा डस्टबिन दिया हुआ है फिर भी पता नहीं ये लोग क्यों वहाँ पे कचरा करते हैं। साफ करना चाहिए, गंदा नहीं रखना चाहिए। तो गाइस अभी यहाँ से हम लोग फाइनली अभी निकलेगा सोच रहा है, क्योंकि कुछ दिखाने के लिए है नहीं यहाँ, मैं जितना था अपन ने पूरा दिखा लिया आपको, और एक बार फिर भी दिखाते हैं। ये देखो गाइस, बस व्यू पॉइंट है यहाँ में, काफी ब्यूटीफुल है, एंड वहाँ पे पहाड़ी है बस यही और कुछ नहीं है। एंड इसका तो व्लॉग शूट करके पूरा हो चुका है, आप लोग इसका चैनल पे देख लेना इसका उसका व्लॉग लार लोंदा बोल के। एंड या ऑफकोर्स मेरा तो आप लोग देखता ही है जो देखने वाला है। एंड बहुत कसम से मैं ना जब वीडियो अपलोड करता हूँ, जब मैं देखता हूँ वहाँ पे, जब कोई देखता है व्यूज आता है या कोई कमेंट करता है ना, कसम से बहुत मतलब अच्छा लगता है मुझे। तो उसमें ऐसा होता है कि और भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, जो जो भी यहाँ पे आया है चैनल विजिट किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एंड ऑफकोर्स यहाँ बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अरे आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा। एंड कुछ फोटो वोटो भी खिंचवाना था वो भी खिंचवा लिया, उसके बाद तो अभी यहाँ से निकलेंगे, और कुछ नहीं है हमें यहाँ बैठ के भी अभी क्या करेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे हवा मर रहा है, मज़ा तो ले ही रहे। हम लोग का अरुणाचल का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ये, इस कमिंग कमिंग रिवर पास है, उसके बाद ये आता है इस कमिंग है। तो पता रहेगा जो जो अरुणाचल में है यहाँ में, तो बाहर का जो लोग देख रहा है, अगर देख रहा है तो उन लोगों को मैं बता दूंगा ये चीज़ उन लोगों के लिए। एंड या हाथ भी काफ़ी दुख रहे हैं मोबाइल कैमरा पकड़ते पकड़ते, क्या करेगा यार। जो यूट्यूबर जो यूट्यूब बनने वाला अभी उन लोगों का लाइफ ही ऐसे है, बस दिन भर कैमरा पकड़ दो, कैमरा को फेस करो। एंड काफ़ी मेहनत लगता है यार, इसलिए आप लोग जो भी अगर यूट्यूब कर रहा है, जो नया नया जो बंदा अगर अपना चैनल चला रहा है, तो उन लोगों को आप सपोर्ट करने से काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर उसके बाद एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगता है। क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कितना मेहनत लगता है। जब पेप्सी है गाना साथ में एक अलग ही मजा आता है, बिना पेप्सी का तो मजा नहीं है कुछ भी। चिप्स भी लाया था तो ना, चिप्स गायब हो गया। गायब हो गया, कोई वो लोग ले लिया, खा लिया वो लोग, खा लिया होगा ना, खा लिया। तो हम दोनों ने चिप्स लेके यहाँ में रखा था, चिप्स लेके यहाँ रखा था, तो वहाँ पे कुछ फोटो शूट करने के लिए थोड़ा से वहाँ गया तो गायब पूरा, पता नहीं इन लोगों ने खा दिया या वो बच्चा जो आया था उनने खाया, समझ में। तो गाइस जो चिप्स लाया था ये रहा, हम लोगों ने वहाँ में रखा था इतना अच्छा से, तो क्योंकि उन लोगों ने सोचा होगा खाली पैकेट है तो इसलिए यहाँ पे फेंक दिया है। तो वहाँ में और एक चिप्स और एक रहा बिंगो, तो उन्होंने ये चिप्स को पता नहीं फेंक दिया, गलती से फेंक दिया होगा या तो पता नहीं हवा भी मार के ले जाता होगा। तो फिर भी यहाँ में और एक पैकेट है तो इसको भी मैं उठा लेता हूँ। ये रहा, वैसे ये वाला मेरा सबसे फेवरेट चिप्स है, अगर कोई हमको मिलने आ रहा है तो चिप्स लेके आ रहे तो चिप्स जरूर लाना, अगर मिलने आ रहे हैं, अगर जो जो मिलने आ रहे ये चिप्स नहीं लाएगा तो मुझे मिलने मत आना। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, उसके बाद क्या अच्छा नहीं लगा उसको भी कमेंट करके बता दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वही गलती का मैं सुधार लेके आऊँगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पीछे में बस व्यू है ये यहाँ पे है, अपना रील्स व्यूज भी बना लिया इंस्टा में देख लेना। और एंड अभी तो निकलेंगे यहाँ से, पहले ये चिप्स और जो पेप्सी है इसको पहले ख़त्म कर लेगा, उसके बाद यहाँ से निकलेगा। एंड गाइस वीडियो बनाते बनाते मुझे काफ़ी एनिंग हो गया, कसम से बहुत जोर से लग गया मुझे, तो इसलिए इमरजेंसी में यहाँ से निकल रहा हूँ।